हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि नीट 2021 के लिए जितने भी एम्स के कॉलेजेस होंगे उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, ये कट ऑफ निकालने के लिए मैंने 2020 के कट ऑफ मार्क्स को यूज किया है, और वो कट ऑफ मार्क्स मैंने कैसे निकाले हैं उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। सो 2020 की कट ऑफ के लिए जो मार्क्स यहां बताए जा रहे हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की रैंक को लेकर निकाले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन एम्स दिल्ली में 52nd रैंक पर हुआ, तो उस 52nd रैंक वाले स्टूडेंट के मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 715 वो लिए गए। अब हो सकता है किसी और स्टूडेंट के भी मार्क्स 715 हो, पर उसकी रैंक ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रैंक बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर जो मैंने मार्क्स लिए हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट का लास्ट टाइम 2020 में उन मार्क्स पर उस एम्स में सिलेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि उसकी रैंक हो सकता है ज्यादा चली गई हो, क्योंकि रैंक जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एम्स दिल्ली के लिए मैंने सबसे पहले यहां पर बताया है। सो यहां पर इस कॉलम में मैंने लिया है नीट 2020 के लिए सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या थी वो मैंने देखी है। एक कॉलम में है कैटेगरी जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं मास्क। ये मास्क बच्चों प्लस माइनस में हो सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हो सकता है इसी मार्क्स पर किसी दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि उसकी रैंक ज्यादा हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब देखो, 2020 में बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था 702 नंबर था, ओबीसी के लिए 692, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 692, एससी के लिए 669 और एसटी के लिए 658। अब बच्चों 2021 के लिए सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इस बार जो था पेपर था वो स्लाइटली टफ था, तो जो हमारी कट ऑफ है वो गिरने वाली है। तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकती है वो बच्चों 700 मार्क्स रह सकती है, ओबीसी के लिए 690 मार्क्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 690 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 665 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 654 मार्क्स। तो मैंने सिमिलरली जितने भी एम्स हैं उनके अंदर 2020 का डेटा लेकर 2021 की रैंक को प्रिडिक्ट करने का कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड है हमारे पास एम्स बठिंडा। तो 2021 के लिए इसके लिए कट ऑफ मार्क्स बच्चों डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये रहने वाले हैं। देन वी हैव एम्स गोरखपुर, ये 2020 के लिए कट ऑफ मार्क्स है। दीज आर द कट ऑफ मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी फॉर 2021। Then we have data for AIIMS Kalyani. AIIMS Kalyani के लिए 2021 के लिए कट ऑफ मार्क्स ये रहने वाले हैं। Then next we have AIIMS Raebareli. AIIMS Raebareli के लिए लास्ट टाइम जो 2020 में कट ऑफ मार्क्स थे वो ये थे, 2021 में कट ऑफ मार्क्स ये रहने वाले हैं हमारे पास। Then we have AIIMS बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, उसके लिए 2020 के लिए कट ऑफ मार्क्स ये थे, 2021 के लिए कट ऑफ मार्क्स ये रहने वाले हैं। Then एम्स गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी के 2020 में बच्चों कट ऑफ मार्क्स यहां पर ये गिवन है, और 2021 का प्रिडिक्शन मेरा यहां पर गिवन है। Then we have next in एम्स जम्मू। एम्स जम्मू में 2020 में कट ऑफ मार्क्स ये रहे थे, और मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 2021 में कट ऑफ मार्क्स ये रहने वाले हैं। Then बच्चों we have एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी जो है 2020 में इसके कट ऑफ मार्क्स ये रहे थे, 2021 का प्रोडक्शन मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। देन वी हैव एम्स राजकोट। एम्स राजकोट के लिए भी 2020 के अंदर कट ऑफ मार्क्स यहां पर गिवन है, और 2021 के लिए कट ऑफ मार्क्स ये रह सकते हैं। देन वी हैव एम्स तेलंगाना बीबी नगर, इसके लिए 2020 में बच्चों कट ऑफ मार्क्स ये रहे थे हमारे पास जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, और 2021 के लिए इसके कट ऑफ मार्क्स ये रह सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में 2020 में सेकंड राउंड की कट ऑफ मार्क्स यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और 2021 में इसके कट ऑफ मार्क्स ये रह सकते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज।
देन वी हैव एम्स देवगढ़। एम्स देवगढ़ के लिए 2020 में सेकेंड राउंड के कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, और सेकेंड राउंड के लिए 2021 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। देन वी हैव एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में 2020 में सेकेंड राउंड के कट ऑफ मार्क्स ये रहे थे, मेरे अकॉर्डिंग 2021 में कट ऑफ मार्क्स बच्चों ये रह सकते हैं। देन वी हैव एम्स पटना। एम्स पटना के सेकेंड राउंड के कट ऑफ मार्क्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और 2021 के सेकेंड राउंड के कट ऑफ मार्क्स का प्रिडिक्शन भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देन वी हैव एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे 2020 के लिए वो ये है, और 2000 का प्रिडिक्शन बच्चों मेरा ये रहा। देन वी हैव एम्स रायपुर। एम्स रायपुर का 2020 का कट ऑफ मार्क्स ये रहे, 2021 के कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश के लिए बच्चों सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ मार्क्स ये रहे थे, 2021 में कट ऑफ मार्क्स ये रह सकते हैं, प्रिडिक्शन मेरा जो है। देन एम्स भोपाल। एम्स भोपाल के लिए बच्चों 2020 का जो कट ऑफ मार्क्स रहा था डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और 2021 का जो कट ऑफ मार्क्स रह सकता है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेरा प्रिडिक्शन है। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, ऑल द कट ऑफ मार्क्स शोन हेयर आर माय पर्सनल प्रिडिक्शन, ये मेरे पर्सनल प्रिडिक्शन है। दे मे बी रॉन्ग, ये गलत हो सकते हैं। एक्चुअल कट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड बाय मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑफ इंडिया। एक्चुअल कट ऑफ तो वहीं से पता चलेगी, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, बट ये प्रिडिक्शन भी बच्चों कुछ आसपास ही रहने वाला है एक्चुअल कट ऑफ के। आई थिंक बच्चों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।